और इधर अयोध्या से बड़ी खबर, अयोध्या के रामलला परिसर में 14 साल पहले हुए आतंकी हमले मामले में आज प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसको लेकर आज अयोध्या में हाई अलर्ट है। आपको बता दें कि 5 जुलाई 2005 को आतंकियों ने राम जन्मभूमि परिसर के भीतर धमाका किया था। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए किसी आतंकी के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इस हमले में रमेश कुमार पांडे और शांति देवी को जान गंवानी पड़ी थी, जबकि घायल कृष्ण स्वरूप ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। वहीं इस हमले के बाद जांच एजेंसियों ने देश के अलग अलग हिस्सों से 5 और आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उन सभी 5ों आतंकियों को आज सजा सुनाई जाएगी। तो आज का दिन काफी अहम है अयोध्या के लिहाज से, क्योंकि 14 साल पहले जिस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, उस आतंकी हमले के जिम्मेदार कसूरवार आतंकियों को आज सजा सुनाया जाएगा। 2005 में राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमला हुआ था, जिनके आरोपियों पर आज फैसला सुनाया जाना है। इतने दिनों से संघर्ष किया है और अंतिम निर्णय उनके लिए यही है कि फांसी की सजा मिले, तभी परिवार को इंसाफ मिलेगा और अयोध्या वासियों को इंसाफ मिलेगा। और ये हनुमान जी की गदाधारी की कृपा थी कि जो यहाँ पे बम रखा हुआ था वो नहीं फूटा था। उनके परिवार को तभी जो है इंसाफ मिलेगा जब उसको सीधे फांसी हो, और अयोध्या नगरी में जो इस तरह के कांड के उनको फांसी ही होनी चाहिए, उससे कम कोई सजा नहीं। आतंकवादियों को फांसी, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ फांसी, सिर्फ फांसी। तो बड़ी खबर है, आतंकियों ने किया था फिदायीन हमला राम जन्मभूमि परिसर के भीतर, और इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि बाद में एक और शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसके अलावा इस पूरे मामले में 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और वो नैनी जेल में इस वक्त बंद हैं। आज फैसले का दिन है, उन 5ों आरोपियों के खिलाफ आज फैसला सुनाया जाएगा। पूरे देश की नजर अयोध्या के इस मामले पर टिकी है। देखना होगा कि कोर्ट से किस तरह का फैसला सामने आता है। आकाश सोनी हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आकाश, आज बड़ा दिन है, काफी अहम दिन है, देश भर की निगाहें आज उस कोर्ट पर टिकी है जहां से फैसला आने वाला है। किस तरह की गतिविधियां दिख रही हैं इस वक्त? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से अयोध्या में 5 जुलाई 2005 को जो आतंकी हमला हुआ था विराजमान रामलला पर, उसमें हालांकि 5ों आतंकवादी सुरक्षा कर्मियों द्वारा मार दिए गए थे, लेकिन उसमें एक रमेश पांडे की जो है मृत्यु हो गई थी, 2 लोगों की और मृत्यु हो गई थी, उसमें मारे गए थे। उनके परिवार लोगों को आज आशा है कि कोर्ट उनके जो है जो इतने दिनों का जो उनकी टीस है उसके दर्द को कम करेगा और इन आतंकियों को कम से कम सजाए मौत का फैसला देकर उनको जो है पीड़ितों को जो है ये एहसास दिलाएगा कि न्याय इस जो है इसमें अभी भी जिंदा है। इसलिए यहाँ पर तो बिल्कुल जो पीड़ित परिवार है वो बिल्कुल चाहते हैं कि सजाए मौत से कम कोई फैसला ना हो। यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो इस तरीके के जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, जिन्होंने अयोध्या को एक टीच दी है, उनको जो है सजाए मौत हो। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि फैसला 2 बजे के करीब आने वाला है प्रयागराज कोर्ट द्वारा नैनी। तो यहाँ पर जितने लोग हैं वो बिल्कुल निगाह गड़ाए हुए हैं कि आखिर कोर्ट क्या फैसला करता है। ठीक है आकाश, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे तक सभी आतंकियों के खिलाफ फैसला आ जाएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आकाश, आपका।